गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर पेपर टू सी टू यूनिट फोर शैक्षिक विचारक लेक्चर 15 क्वेश्चन महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालें, इस पर हम लोग 6-7-8 घंटियां पढ़े हैं। आज इसको 10-15 मिनट में इसको जो है क्लियर करना है। फिर भी आप लोगों को अगर कहीं कठिनाई होगा तो हमसे बात कीजिए। इसमें इंट्रोडक्शन में आएगा गांधी जी के माता का नाम, पिता का नाम, कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका वकालत करने गए कस्तूरबा गांधी से 14 वर्ष की अवस्था में विवाह, इस सब पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को हम भी लिखा चुके हैं, आप लोग पढ़े हैं। आज हम एमएस पटेल की उक्ति जो है उसको इंट्रोडक्शन में शामिल करेंगे कि गांधी जी उन शैक्षिक विचारकों और चिंतकों की गौरवपूर्ण मंडली में शामिल हो गए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का कार्य किया है। शिक्षा की परिभाषा गांधी जी के शब्दों में, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास से है। आज इस परिभाषा को आज के मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद किसी न किसी रूप में इसकी सत्यता को स्वीकार कर चुके हैं, कर रहे हैं। इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य दो हैं, तात्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य माता है सार्वजनिक विकास, बच्चों को स्वस्थ रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए, बच्चे इसके लिए परिश्रम करेंगे, उनका कहना था परिश्रम करने से पसीना निकलेगा और शरीर का विकार दूर होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसलिए शारीरिक विकास का उद्देश्य इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद मानसिक या बौद्धिक विकास, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, और उसके बाद था आध्यात्मिक विकास, बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी साथ साथ करना है जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम उद्देश्य है शिक्षा का, इनके अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है उस संपूर्ण व्यक्ति में समाहित हो जाना, जहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है उसी में जाकर पूर्णतः विलीन होना, आप साक्षात्कार ईश्वर से कर लेना, वही जीवन का अंतिम या शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है कि इस लोक के आत्मा को जाकर पुनः परलोक में सम्मिलित हो जाना, परमात्मा में, आत्मा का परमात्मा में पुनः मिलन हो जाना, यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में इन्होंने बताया कि शिक्षा उपयोगी होनी चाहिए, उपयोगिता का सिद्धांत, पढ़ लिख करके बच्चे जो हैं बाहर जब निकले तो वे अपने पैरों पर खड़े हैं, स्वावलंबी बने, और उन्होंने कहा था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होनी चाहिए। उसके बाद है समवाय का सिद्धांत, विभिन्न विषयों को जोड़ करके एक साथ पढ़ा। इन्होंने कहा कि एक न कोई न कोई हस्तशिल्प को केंद्र में रखकर बाकी विषयों की शिक्षा उसी से जोड़कर दी जाए, यही समवाय का सिद्धांत कहा है। लचीलापन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, उसमें बच्चों को चयन करने की, विषय चयन करने की
सुविधा मिलनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने जो क्राफ्ट था हस्त कौशल में से, जैसे एग्रीकल्चर था, कृषि, कताई बुनाई, लोहारगिरी, पढ़ाईगिरी, लड़कियों के लिए सिलाई बुनाई, तो इस सब में से किसी एक को बच्चों को चुनने के लिए कहा जाता है, कोई एक शिल्प चुनना है। नेक्स्ट है मौखिक विधि, शिक्षण विधि में आता है कार्यानुभव विधि। बच्चे जो है करके सीखेंगे, तो बच्चा ये जो रटंत प्रणाली है, पुस्तकीय ज्ञान आधारित प्रणाली को उन्होंने सिर से खारिज किया, बच्चा करके सीखेगा, काम करेगा सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। इसको आगे के लोग भी, शिक्षा विद भी इसको स्वीकार किए, जो बच्चा स्वयं काम करेगा उसको सीखेगा, वह उसके मन मस्तिष्क पर हमेशा के लिए अमिट हो जाएगा। फिर है समवाय विधि। समवाय विधि में है कि विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़ करके पढ़ा, केंद्र में कोई ना कोई क्राफ्ट रहेगा और उसके चारों ओर उसी से जोड़कर विषयों को पढ़ा। मौखिक विधि, बच्चों को जो है बोलने का, आत्माभिव्यक्ति का, सेल्फ एक्सप्रेशन का अधिकार मिलना चाहिए, बच्चे बोले, एक्स्ट्रोवर्ट बने, इंट्रोवर्ट नहीं, एक्स्ट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बने। इसके लिए उन्होंने विद्यालयों में अंत्याक्षरी कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता और सारी विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का सुझाव दिया कि बच्चे इससे आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट है स्वानुभव विधि, अनुभव करके बच्चे अपने अनुभव करेंगे और अपने सीखेंगे तो उनके मन मस्तिष्क पर ज्यादा दिन रहेगा। चिंतन मनन विधि, बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, योगा, शारीरिक व्यायाम आदि करेंगे तो इससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। संगीत विधि, क्राफ्ट वगैरह करते समय, हस्तकला करते समय बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका मन बहलता रहे। अनुशासन के बारे में इन्होंने कहा कि गांधी जी शारीरिक दंड के पूर्णतः विरोधी थे, पूर्णतः विरोधी। इन्होंने दो प्रकार के अनुशासन का की वकालत की, एक अनुशासन प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन में क्या है, इफेक्टिव डिसिप्लिन। इसमें है क्या कि शिक्षक का चरित्र ऐसा हो कि उसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़े, उसको देख करके बच्चे स्वयं अनुशासित बनेंगे। शिक्षक अनुशासित है तो बच्चे भी स्वयं अनुशासित बनेंगे उनको देखकर, इसको प्रभावात्मक अनुशासन कहा गया। एक जो है मुक्त्यात्मक अनुशासन, यानी बच्चों को ज्यादा दबाव में नहीं रखना है, उनको कहीं ना कहीं कुछ स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब है शिक्षक के बारे में, शिक्षक जो है पथ प्रदर्शक है बच्चों का, मित्र है और सहायक है। शिक्षक का चरित्र आचरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उससे प्रभावित हों, शिक्षक को देख करके बच्चे उनका अनुसरण करें। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, शिक्षक को कोई ना कोई कौशल की भी जानकारी होनी चाहिए, और शिक्षक का काम निदेशक का काम नहीं है, शिक्षक का काम एक सहायक है। अब आइए विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, गांधी जी कहा कि विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी माने जिसका कुछ नियमों के साथ बंधा होना चाहिए, उसका विवाह शादी बढ़ते वक्त नहीं होना चाहिए, और उसको जो है कुछ नियम के साथ बंधे होना चाहिए, जैसे सुबह में अहले सुबह में जगना, ईश्वर स्तुति करना, स्नान करना, ये सब नियमबद्ध होना चाहिए। नियम दिया है, नियम संयम सदाचार, उसका आचरण उत्तम होना चाहिए।
चरित्रवान होना चाहिए, उसे विनम्र बनना चाहिए, उसे देशभक्त होना चाहिए, उसे शांत चित्त वाला होना चाहिए, सहिष्णु और अनुशासित भी होना चाहिए। अब है विद्यालय। विद्यालय की स्थापना समाज में नजदीक होनी चाहिए और विद्यालय में पठन पाठन की सारी सुविधाएं, पुस्तकालय हो, कार्यशाला हो, है ना, ये सारी सुविधाएं वहां मौजूद होनी चाहिए पठन पाठन की। सामुदायिक विद्यालय में समुदाय का भी आना जाना कभी कभी मौके पर अवसर पर होते रहना चाहिए। ये जो है विद्यालय पर है। अब आइए गांधी जी और बुनियादी शिक्षा। अगर गांधी जी से बुनियादी शिक्षा को हटा लिया जाए या बुनियादी शिक्षा से गांधी जी को हटा लिया जाए तो दोनों अपूर्ण हो जाएंगे। मतलब कि बुनियादी शिक्षा गांधी जी के शिक्षा दर्शन की एक प्रमुख देन है। गांधी जी नहीं रहते तो बुनियादी शिक्षा भी नहीं आती। 22 से 23 अक्टूबर 1937 में महाराष्ट्र में वर्धा जिला में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें गांधी जी ने कहा कि मैं मानता हूं कि यह जो है शिक्षा प्रणाली किसी प्रकार से हमारे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। अब बच्चे जो जानते हैं उससे भी दूर होते जाते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने राज किया था। उस सम्मेलन में देश के इन्हें गिने शिक्षाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित राम शरण उपाध्याय सरीखे सारे विद्वान उस जो है सम्मेलन में भाग लिए थे। चूंकि यह सम्मेलन महाराष्ट्र के वर्धा जिला में हुआ था इसीलिए इस शिक्षा को वर्धा शिक्षा भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी इसको कहते हैं, है ना। इसकी विशेषता क्या थी कि 7 वर्षों की अवधि तक वर्ग 1 से 7 तक बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। दूसरा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी 7 वर्षों तक। तीसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा, बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होगा, अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं होगी। हर साथ क्राफ्ट आधारित शिक्षा, केंद्र में कोई न कोई हस्त कौशल रख करके बाकी विषयों को शिक्षा दी जाएगी। 6, शारीरिक श्रम पर जोर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा में जो है अंग्रेजी प्रणाली में शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता था, इसीलिए इसमें जो है शारीरिक परिश्रम पर जोर दिया गया, बच्चे शारीरिक परिश्रम करेंगे। 5, पुस्तकों का कम से कम प्रयोग। नेक्स्ट, आज भी इसको लोग मानते हैं कि नहीं, आज के शिक्षा प्रवेदन कहते हैं नहीं, 5 पुस्तकों का बोझ बच्चों पर जितना कम होगा उतना ही बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय के आकृष्ट होंगे। इसके बाद इसका ढांचा है, रूपरेखा है बुनियादी शिक्षा का। गांधी जी ने 4 प्रकार के बुनियादी विद्यालयों की स्थापना का अनुशंसा की। एक है वर्ग 1 से 5 जिसको कहा गया जूनियर बेसिक स्कूल। एक हुआ 6 से 7 या 8, आगे चलकर 8 कर दिया गया, उसको कहा गया सीनियर बेसिक स्कूल 6 से 8 या 6 से 7। उसके बाद हुआ उत्तर बुनियादी विद्यालय पोस्ट बेसिक स्कूल, इसमें हुआ 9 से 12 जिसको हायर सेकेंडरी भी कहते हैं। 3 हुआ है आए, 1 हुआ जूनियर बेसिक स्कूल वर्ग 1 से 5, सीनियर बेसिक स्कूल 6 से 7 या 8,
पोस्ट बेसिस को 9 से 12 और ट्रेनिंग स्कूल इन्होंने खोला अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए। यदि गांधी जी के शैक्षिक दर्शन को एक त्रिभुज मान लिया जाए, निष्कर्ष के रूप में हम बता रहे हैं, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन को यदि एक त्रिभुज मान लिया जाए तो उसका आधार आदर्शवाद है और दोनों सिराएं, दोनों एंगल, दोनों भुजाएं एक तरफ प्रकृतिवाद होंगी और एक तरफ प्रयोजनवाद। तो MS पटेल ने ठीक ही कहा है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। थैंक्स।